Hello students, we all are in our beautiful grammar valley. We express or write notions correctly if we know models. Model expresses mode or attitude, and we speak without any hindrance if we know the right use of models. So student, let's start with shall. Number one, promise threat determination in second and third form. हम जानते हैं कि shall का यूज़ जो है वो आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में किया जाता है, बट हम प्रॉमिस जब करते हैं मॉडल्स में, थ्रेट धमकी देते हैं या डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय करते हैं, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में पर्सन के साथ में इसका यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, यू शैल हैव द मनी ऑन फ्राइडे, आपको आपका पैसा फ्राइडे को मिल जाएगा. प्रॉमिस है, ये वादा है. नंबर टू, एनीवन फाउंड गिल्ट शैल बी शॉट डेड, अगर किसी को भी गुनहगार पाया गया तो उसे मार दिया जाएगा, गोली से उड़ा दिया जाएगा. थ्रेट ये धमकी है. ही शैल बी पनिश्ड इफ़ ही कम्स लेट, अगर वह देर से आता है तो उसे पनिश किया जाएगा, ये वार्निंग है. तो देखा आपने. नाउ नंबर टू, प्रोहिबिशन इन नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, यू शैल नॉट एंटर द हाउस, आप हाउस में घर में प्रवेश नहीं करोगे. यहाँ नोट देखिए आप, इफ़ अ सेंटेंस बिगिन्स विद नो वन एंड नोबडी, वी यूज़ शैल फॉर प्रोहिबिशन. नोबडी और नो वन से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो हम शैल का प्रयोग निषेध में करते हैं. नो वन शैल एंटर विदाउट परमिशन, कोई भी परमिशन के बिना अंदर नहीं आएगा. नोबडी शैल प्ले हियर, कोई भी यहाँ पर नहीं खेलेगा. वी यूज शैल फॉर ऑब्लिगेशन एंड इंसिस्टेंस, शैल का प्रयोग ऑब्लिगेशन और इंसिस्टेंस जोर देने पे किया जाता है, बाध्यता पे किया जाता है. फॉर एग्जांपल, यू शैल डू एज यू आर टोल्ड, जैसा तुम्हें कहा गया है वैसा ही करोगे. ही शैल कम इफ़ आई ऑर्डर हिम टू, मैंने ऑर्डर दिया है तो ही वह अंदर आएगा. नंबर फोर, इंटरोगेटिव फॉर्म्स ऑफर्स ऑफ सर्विस एंड सजेशंस सीकिंग एडवाइस. एडवाइस में फॉर इन फर्स्ट पर्सन. फॉर एग्ज़ाम्पल, शैल वी डांस, क्या हम डांस कर सकते हैं, ये आपको प्रपोज कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं. शैल आई रीड दिस बुक, क्या मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकूँगा. डू यू सजेस्ट मी टू, क्या आप मुझे सजेस्ट करते हैं इस बुक को पढ़ने के लिए. लीगल एंड क्वासी लीगल इंजंक्शन, न्यायिक और अर्धन्यायिक आदेश निषेधाज्ञा. निषेधाज्ञा का अर्थ यहाँ पर मनाही से है में किया जाता है. फॉर एग्जांपल, द टेनेंट शैल मेंटेन द रेंटेड अकोमोडेशन इन गुड कंडीशन, किराएदार को किराए का आवास अच्छी हालत में रखना पड़ेगा. नाउ वी विल लर्न यूजेज ऑफ शुड. शुड चाहिए के अर्थ में आता है, ये हम जानते हैं. अब आप नंबर वन यूज़ देखिए, ड्यूटी एडवाइस प्रोबेबिलिटी, कर्तव्य में, सलाह में और संभावना में शुड का यूज़ कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वन शुड ट्राई टू डू वंस ड्यूटी, ये ड्यूटी है कि हमें अपनी कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. यू शुड कॉल फॉर अ डॉक्टर, एडवाइस है कि तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, हो सकता है तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए. यू शुड फाइंड द बुक ऑन द टॉप ऑफ शेल्फ, ये प्रोबेबिलिटी संभावना है कि तुम्हें वो जो बुक है जो तुम ढूंढना चाहते हो वो कहाँ मिलेगी, टॉप ऑफ द शेल्फ, ऊपर की शेल्फ पे मिलेगी. नंबर टू, ऑब्लिगेशन ऑट टू के अर्थ में, शुड इक्वल टू ऑट टू यहाँ पे अर्थ में आएगा. फॉर एग्जांपल, दे शुड बी इन बेड बाय नाउ, अभी तक उन्हें सो जाना चाहिए. नंबर थ्री, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट हेल्प टू फॉर्म द फ्यूचर सब्जंक्टिव, यह फ्यूचर के अधीन जो घटनाएं होती है उसे बताने में काल्पनिक सिचुएशन होती है. वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. नंबर टू एग्जाम्पल, ही हरिड लिस्ट ही शुड बी लेट, अगर वह जल्दी नहीं करता तो लेट हो जाता. लिस्ट के साथ ऑलवेज शुड का यूज़ किया जाता है. नंबर फोर, एक्सप्रेस डिज़ायर एंड प्रेफरेंस इन फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ डिज़ायर और प्रेफरेंस को व्यक्त करने में शुड का प्रयोग किया जाता है. आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, मुझे जल्दी जाना चाहिए. नंबर फाइव, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन, संभावना और आकांक्षा को व्यक्त करने के लिए. फॉर एग्जांपल, दे शुड बी देयर बाय नाउ, अभी तक उन्हें वहाँ होना चाहिए. आई थिंक दे प्रोबेबली देयर, मैं सोचता हूँ कि वो वहाँ पर होंगे. नोट, पर्पस यूज्ड इन ऑल पर्संस इन क्लॉजेस एक्सप्रेसिंग पर्पस इक्विवेलेंट
टू मे और माइट, पर्पस में मे और माइट की तरह से शुड का यूज़ भी किया जाता है। आई लेंट हिम द बुक सो दैट ही शुड स्टडी इट, माइट का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, मैंने उसको बुक दी ताकि वह स्टडी कर सके। वी कैन ऑल्सो यूज़ माइट इन दिस सेंटेंस, हम इस सेंटेंस में माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। बी है वॉट वन शुड नॉट डू, क्या किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। आपने पुरानी मूवी वक्त का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, जिनाए सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। माइंड इट। सो स्टूडेंट्स वी हैव क्लियरली नोन द यूज ऑफ शैल एंड शुड, टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, यू नो नॉलेज इज पावर, सो गेन नॉलेज एंड बी पावरफुल, टिल देन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, थैंक यू।